और अब देशहित में आज की पांच बड़ी स्टोरीज और उनसे जुड़े पांच बड़े सवाल। आज से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि योगी सरकार ने यूपी के राज्यपाल राम नाईक की सलाह पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योगी की इस नई राम कहानी से एक ही सवाल जहन में आता है, जो देशहित में पूछना आज की तारीख में जरूरी है, कि क्या दलित वोट बैंक बढ़ाने के लिए अंबेडकर के नाम से राम की खोज। देश भर में 10वीं और 12वीं CBSE के छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं तनाव में। तनाव की वजह है CBSE की घोर लापरवाही, पेपर लीक हुए बोर्ड की कुंभकर्णी नींद की वजह से, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लाखों बच्चों को और उनके माँ बाप को। मंत्री जी तो आश्वासन देकर चले गए, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा जावड़ेकर साहब के देश के भविष्य से घोटाला हुआ है। CBSE चीफ पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं। बंगाल जल रहा है और दीदी गठबंधन बना रही है। रामनवमी जुलूस के बाद दो गुटों के बीच शुरू हुई हिंसा ने दंगे का रूप ले लिया, लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। आसनसोल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद धारा 144 लगा दी गई, लेकिन ममता को तो 272 की फिक्र सता रही है। सवाल ये है कि मोदी विरोधी मोर्चा बनाने में लगी CM साहिबा, घर की आग क्यों नहीं बुझाती। हमारी फौज ने कश्मीर में आतंकी कमांडरों की किल लिस्ट जारी कर दी, आतंकी ऑपरेशन ऑल आउट से पहले ही खौफजदा है, और अब ऑपरेशन सफाया ने जहन्नुम की टिकट पक्की कर दी। तो क्या कश्मीर घाटी से आतंकियों की विदाई अब आखिरी दौर में है, ये भी सवाल। मार्च के महीने में मई जैसी गर्मी, हाल वाकई बेहाल, प्रचंड पारा और पानी की किल्लत से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये भी सवाल। और अब देशहित की बात का श्री गणेश करते हैं श्री राम से। देशहित में आज बात करेंगे कलयुग के सबसे बड़े चमत्कार की। जी हाँ, इसे चमत्कार ही कहेंगे, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम मिल गए हैं। वो राम जिन्हें आजाद हिंदुस्तान में अब तक टेंट में रहना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि CM योगी को राम अयोध्या में नहीं बल्कि बाबा भीमराव अम्बेडकर में मिले हैं।